देखिए पहली बात तो विगत 20 सालों में ये राज लगता है उल्टा पांव चल रहा था, ना राह ना मंजिल, बस चलते जाना है, यही हाल था। हम राह भी बना रहे हैं, मंजिल भी सुनिश्चित कर रहे हैं। जेपीएससी को पहली बार अपनी नियमावली मिली है 50-51 के बाद। 2016 में आखिरी जेपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया था, इस पर और इस हालात में राज्य के जो पढ़े लिखे नौजवानों की क्या दुर्गति हुई है वो किसी से छुपी नहीं, और इसको लेकर हमने जो बेहतर प्रयास करने का हमारे पास फार्मूला था वो हमने प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ और जो हमारी सोच है, हमारा जो उद्देश्य है, कि उसका लाभ अधिक से अधिक पढ़े लिखे नौजवानों को मिले, और मेरी शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए जो लोग जेपीएससी में अपना किस्मत आजमाते हैं, और निश्चित रूप से उन सबको इसका लाभ मिलेगा।